सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। के दफ्तर में कोई सीक्रेट खबरें लीक कर रहा है? क्या आपको अपनी बीवी पर शक है? क्या आपको किसी अनजान दुश्मन से खतरा है? ऐसी किसी भी समस्या से तुरंत समाधान तुरंत मिले प्राइवेट डिटेक्टिव आदित्य राम से। पता 108 राम जानकी निवास, बीजी रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। समझ लो आदित्य राम, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। इस शहर में ऐसी परेशानियों के मारे बहुत लोग हैं। ये विज्ञापन तुम्हारे दरवाजे पर क्लाइंट्स की लाइन लगा देगा। लगता है क्लाइंट्स की लाइन फोन पर लगनी शुरू हो गई। हेलो, डिटेक्टिव आदित्य राम स्पीकिंग। मैं पूरी बोल रहा हूं आदित्य राम। पुरी साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कई दिनों से मैं आपसे 2-4 दिन की मोहलत मांग रहा हूं, मगर मैं क्या करूं, ना मुझे कहीं से नौकरी मिल रही है और ना ही कहीं से तनख्वाह। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके मकान का पूरा किराया चुका दूंगा, बस सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और, प्लीज। आज सोमवार है, अगर अगले सोमवार तक मेरा सारा रुपया नहीं चुकाया तो सामान सहित उठाकर सड़क पर फेंकवा दूंगा। पता नहीं ये लोग अपने किराए के मामले में इतने पर्टिकुलर क्यों होते हैं। सर, हेलो सर, आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपकी खिदमत में ये प्राइवेट डिटेक्टिव हाजिर है, आदित्य राम। मैं जानता हूं आप जरूर किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं, है ना सर? ना मैं दुखी हूं, ना परेशान, ना मुझे किसी की मदद की जरूरत है। माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज। मुझे देखने दो, एंजॉय करने दो। फिर आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? शायद मेरी सूरत ही ऐसी है। प्लीज गो। हेलो यंग मैन, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, जासूस? जी हाँ। जरूरतमंद हो, केस की तलाश में हो? जी। हमें एक दूसरे की जरूरत है, बैठो। लेकिन सर। घबराओ मत, सिट डाउन, बैठो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? एक डिटेक्टिव के चेहरे पर घबराहट अच्छी नहीं लगती, क्या लग रहा है? सर, मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर बता रहा है पेट्रोल बहुत कम है, कहीं रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो जाए। वेरी स्मार्ट, वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत तेज है नजरें तुम्हारी। आई एम इंप्रेस्ड, वेरी गुड। पेट्रोल पंप सामने ही है सर, पेट्रोल भरवा ले। ठीक है, भरा लेते हैं। साहब, 500 का बिल हुआ है, साइन कीजिए।
आकाश दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मिस्टर डायरेक्टिव, काम की बात पर आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी आदित्य राम। और मेरा नाम है जगन्नाथ सरकार। मेरी बीवी का मेघशी सरकार और मैं अपनी बीवी पर शक करता हूं। आई डोंट ट्रस्ट हर एट ऑल। इस वक्त मेरी बीवी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकल रही होगी। हाय सोनिया। हाय, कैसी है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। चलो भैया जल्दी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी का पीछा करो। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है, मुझे उसके एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? ये रही मेरी बीवी की तस्वीर। काफी खूबसूरत है और जवान भी। दोपहर के 1 बजे अंधेरी SV रोड के स्टोर जी के कलेक्शंस में वो होगी। इस वक्त 12 बजे। वो कभी 7 बजे से पहले घर नहीं लौटती। इस बीच वो क्या करती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ये पता लगाना मेरा काम है सर। मेरी फीस? एक दिन के काम के लिए 20,000 रुपए। हाँ जी, मुझे मंजूर है। 10,000 रुपए एडवांस और बाकी शाम को रिपोर्ट मिलने के बाद। अगर तुम मेरे 10,000 रुपए लेकर गायब हो गए तो? देखिए सर, इतना तो आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। इस शहर में अजनबियों पर भरोसा करना बेवकूफी है। तो फिर मैं क्या करूं, कैसे आपको मेरी ईमानदारी पर भरोसा होगा? मुझे इन रुपयों के बदले तुम्हारी तरफ से कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई चीज जो मैं अपने पास रख सकूं। काम होते ही बाकी 10,000 रुपयों के साथ लौटा दूंगा। ऐसी तो कोई चीज नहीं मेरे पास जिसकी कीमत 10,000 रुपये। हाँ, ये सोने की चेन जरूर है, मेरी माँ ने दी थी। ये चलेगी? चलेगी। ये लीजिए। चलेगा। ये चेन मेरे पास बतौर सिक्योरिटी रहेगी। अभी से काम शुरू कर लो। ओके सर। तैयार रहे, मेरी बीवी 1 बजे GK कलेक्शंस में होगी। यस सर। ओके। okay.
होएगा श्री? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। चलो जगन्नाथ सरकार। हाँ आदित्य राम बोलो। सर मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पत्नी दुनिया की सबसे नेक दिल, शरीफ और दानी औरत है। आप बहुत लकी हैं सर, उनका ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई अफेयर। क्या बकरे हो, क्या बकरे हो तुम? सर दोपहर को ठीक 1 बजे उन्होंने जीके कलेक्शन से कुछ बच्चों के कपड़े खरीदे, वो एक अनाथालय गई, वहां बच्चों को कपड़े बांटे, वहां से फिर वो एक मंदिर में गई जहां उन्होंने गरीबों को खाना बांटा और फिर वो अपनी सहेली सोनिया के साथ घर लौट आई। सर आप ऐसी औरत पर कैसे शक कर सकते हैं? मुझे मत सिखाओ, तू मेरी बीवी को नहीं जानती, वो बहुत शातिर औरत है, उसे तुम्हें बेवकूफ बनाया है, उसे पता चल गया होगा कि तुम उसके पीछा कर रहे हो। नहीं सर, मैंने बहुत ही होशियारी से। शट अप, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर एनीहाउ थोड़ी देर के बाद मेरे घर आकर अपना बैलेंस ले जाओ। हालांकि जितना मैं तुम्हें एडवांस दिया हूं तुम्हारी औकात उतनी भी नहीं है। बड़ा अजीब आदमी। खैर मुझे क्या लेना, मैं जाकर अपनी चेन और पैसे लेकर आ जाऊंगा। मुझे बेवकूफ कह रहा है, कदा कहीं का। हे भगवान, ऐसा एक क्लाइंट रोज दे दिया कर। Excuse me, इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? इंस्पेक्टर भारत आप? किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? जी मैं जगन्नाथ सरकार से मिलने आया हूँ। जगन्नाथ सरकार से मिलने आए? जी हाँ, आइए इधर अंदर आइए। दिन पीछा किया मिसेस मेघाश्री सरकार का? क्यों किया था और कौन हो तुम? इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम आदित्य राम है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं और इनके पति ने मुझे 20,000 रुपए देकर इनका पीछा करने के लिए हायर किया था, इसीलिए आज मैं इनका पीछा कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जगन्नाथ सरकार से पूछ लीजिए। मेरे पति मर चुके हैं। What? उनका मर्डर हो चुका है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। कभी thank you.
लॉकेट आपका है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा है, मगर मेरी बात तो सुनिए। शट अप, एक शब्द नहीं बोलेंगे आगे आप। दैट्स इट, जस्ट सब तलाशी लो इनकी। सर ये रहे 10,000 रुपए। मिसेस सरकार, आपकी अलमारी से कितने रुपए गायब हुए? 10,000 रुपए। मिस्टर आदित्य राम, आपको मिस्टर सरकार के कत्ल की सजा से अब कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जगन्नाथ सरकार नहीं है। बकवास मत करो, यही जगन्नाथ सरकार की लाश है और तुम ही ने इनका कत्ल किया। दैट्स इट। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। शट अप। तुमने जगन्नाथ सरकार का खून? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैंने खून किया होता तो मैं आधे घंटे बाद खुद सरकार के घर पे क्यों जाता? मर्डर करते वक्त ये चेन वहां पर रह गई थी जो बाद में तुम्हें याद आई। ये चेन तुम लेने आए थे, करेक्ट? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये चेन तो मैंने खुद उस आदमी को दी थी बतौर सिक्योरिटी के, जो आदमी मुझे अपने आप को जगन्नाथ सरकार बताकर मिला था, और उसी ने मुझे वहां बुलाया था ये चेन लौटाने के लिए और बाकी के 10,000 रुपए देने के लिए। ऐसी स्टोरी मैं रोज सुनता हूँ मिस्टर आदित्य राम, ये कहानी किसी और को सुनाना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद उस आदमी को तलाश कर लेकर आऊंगा, क्योंकि वही एक मेरी बेगुनाही का सबूत है। वेरी स्मार्ट, ताकि तुम बाहर जाओ और बड़ी आसानी से अपने सारे सबूत मिटा दो। अगर दुनिया में ऐसा कोई आदमी बसता है जिसने वाकई जगन्नाथ सरकार का खून किया तुम्हारे अलावा, उसे मैं पकड़ूंगा, तुम नहीं। समझे मिस्टर आदित्य राम? गया बूढ़ा शैतान और जवान खूबसूरत परी अब आजाद है। करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालकिन, मुबारक हो। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग।
वो उल्लू का बटा डिटेक्टिव पुलिस के हिरासत में है। अब जगन्नाथ सरकार के कत्ल के जुर्म में या तो उसको फांसी होगी या फिर उम्र कैद। और हम दोनों शादी करके तुम्हारे मरहूम पति की दौलत पे ऐश करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मुझे खर्चे के लिए कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है। या तो तुम किसी पागल खाने से छूटे हुए पागल हो या फिर दिन में पीने वाले शराबी। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। अंदर कैसे आए तुम? गेट आउट। अपने लवर होने वाले हस्बैंड जैकी राव को नहीं पहचानती? मेगा डार्लिंग चिंता मत करो, यहां हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है और ना ही किसी ने मुझे अंदर आते हुए देखा, क्योंकि मैं पिछले दरवाजे से आया हूं। ओ हो हो हो, यानी मेम साहब की नीयत बदल गई है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उस आदित्य राम को मैंने फंसाया, तुम्हारे पति को मैं मारा, इसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। इसका मतलब है कि तुमने ही मेरे पति का कत्ल किया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे पति को। गुड, क्योंकि इसमें अब तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है मिस्टर जैकी राव, कि तुमने ही मेरे पति को मारा है। और अब दफा हो जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए या कम से कम उम्र कैद दिलाने के लिए यह सबूत काफी है। मिसेज मेघश्री सरकार, एक कत्ल करने के बाद इंसान के लिए दूसरा कत्ल करना आसान हो जाता है, हाथ कम कांपता है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है मुझे। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पर्सनल गार्ड्स हैं। मेरे पति का कत्ल हो जाने के बाद मुझे इनकी जरूरत थी ना? दोनों बहरे और गुंगे हैं, लेकिन मेरे इशारे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इनका निशाना नहीं छूटता। अब यहां से चले जाओ, तुम कभी भी यहां मुड़ के देखना नहीं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये केस बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया? सर, कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो आसानी के साथ ही सॉल्व होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर केस पेचीदा ही हो। लेकिन श्रीवास्तव, जो चीजें बहुत सरल नजर आती हैं, दरअसल वो सरल होती नहीं है, बड़ी पेचीदा हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। कातिल की वो चेन, 10,000 रुपए, कातिल का मौका है वारदात पे आना सारे सबूतों के साथ। आपका मतलब यह कि आदित्य राम कातिल नहीं है और उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है, कातिल कोई और है? हो सकता है श्रीवास्तव कि उसकी ये नकली कहानी सच हो। हमें उस आदमी की तलाश करनी होगी श्रीवास्तव। सर, डॉक्टर सिन्हा आपसे मिलने आए, जगन्नाथ सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। अंदर भेज दो श्रीवास्तव, तब तक तुम मिस्टर आदित्य राम से पूछताछ करो। जी।
और पता लगाने की कोशिश करो कि उस आदमी का हुलिया क्या है। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका सारा हुलिया मैंने आपको बता दिया है। देखो आदित्यराम, जो हुलिया तुमने हमें बताया है उस हुलिया के कम से कम 5,000 आदमी शहर में होंगे और इतनी सी इंफॉर्मेशन के जरिए उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, और तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो। देखो, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो आदित्यराम, शायद तुम्हें कुछ ऐसी बात याद आ जाए जो हमें उस तक पहुंचा सके। साहब, 500 का बिल हुआ है, साइन कीजिए। मैं कैश दूंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, याद आया, जब वो पहली बार मुझसे मिला था तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पर गया था। उस पेट्रोल पंप का नाम याद है तुम्हें? बोरीवली नेशनल पार्क के पहले वाला नेहरू पेट्रोल पंप। इंस्पेक्टर साहब, जब किसी आदमी का पेट्रोल पंप पर अकाउंट होता है तभी उसे बिना कैश दिए वाउचर बुक पर पेट्रोल मिलता है। वहां का अटेंडेंट उसके पास वाउचर बुक लेकर आया था लेकिन वो उसने साइन नहीं की, उसने कैश दिया था। इसका मतलब उसके पास क्रेडिट फैसिलिटी थी लेकिन उसने जानबूझकर कैश पेमेंट किया। यस, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। कहिए इंस्पेक्टर। एक मर्डर केस के लिए इंक्वायरी करनी, जस्ट ए रूटीन इन्वेस्टिगेशन। श्योर, प्लीज कम इन, आइए। थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर। मिस्टर जैकी राव, आपने वो जगन्नाथ मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना? वेरी स्ट्रेंज, अखबारों में इतनी न्यूज फ्लैश हुई और इतनी मतलब चर्चित है ये बात, और आपने इंस्पेक्टर, कई मर्डर्स की कई खबरें रोज अखबारों में छपती हैं, किसको याद रहता है? अच्छा, ये बताइए कि इन्हें पहचानते हैं आप? जी नहीं। कहीं देखा होगा, याद कीजिए। नहीं, कभी नहीं। Are you sure? Yeah, sure, sure. श्रीवास्तव, मैंने पहचानते हैं? नहीं जी नहीं। लेकिन तुम्हारा तो ये कहना है मिस्टर आदित्य राम कि इनसे पहले मिल चुके हैं। मैं इनसे कभी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी 4 दिन पहले तुम मुझे मिले थे, सोमवार को, और तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। याद आया इंस्पेक्टर, याद आया, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। लिफ्ट नहीं, तुमने मुझे 20,000 रुपए का ऑफर दिया था मेघाश्री सरकार का पीछा करके तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए, और 10,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। इंस्पेक्टर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं किसी मेघाश्री सरकार को नहीं जानता। हाँ, इसे पहचानता हूँ क्योंकि मैंने इसे लिफ्ट दी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, यही है वो आदमी। That's all right, Mr. Aditya Ram. I'm sorry, Mr. Jackie Raw. कुछ गलतफहमी सी हो गई मेरे ख्याल से। I'm sorry to bother you. अच्छा हाँ, इन केस आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे और आपकी फोटोग्राफ चाहिए तो मिल सकती है? श्रीवास्तव सर, जगन्नाथ सरकार के इलाके में जाके पूछो कि इस आदमी को कभी आते जाते देखा है, और इसके पड़ोसियों से इंक्वायरी करो कि कत्ल वाली रात उन्होंने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की, कोई मतलब चीखने चिल्लाने की आवाजें या समथिंग लाइक दिस। राइट सर। और हाँ श्रीवास्तव, उधर फाइल में देख के वो नंबर बताओ जो मैंने सरकार के घर से वो जो नंबर रीडायल किया था मैंने। ओके सर।
गार्ड्स, गार्ड्स, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? गार्ड्स! कहाँ चले गए थे तुम दोनों? क्या पूछ रही हूँ मैं? मेरी सरकार, आप इन्हें पहचानती हैं? जी नहीं। लेकिन आपके ये तो गार्ड्स जो गूंगे और बहरे हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। ये बता चुके हैं कि आप यहां पर आ चुके हैं मिस्टर जैकी राव आपसे मिलने इशारों में। मुझे याद नहीं। वेरी स्ट्रेंज, इन्होंने आप पे पिस्तौल तानी थी उसके बावजूद भी आपको याद नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर सरकार कि आपके पति का कातिल ये आदमी है मिस्टर जैकी राव, मिस्टर आदित्य राम नहीं। हो सकता है इस आदमी ने उस दिन मुझसे 10 लाख रुपए भी मांगे थे। There you are. तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप इस आदमी को पहचानती नहीं? हाँ जवाब दीजिए। अपने पति की डेथ के बाद मैं वैसे ही बहुत परेशान थी और किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। जब मेरे गार्ड ने इस आदमी को बाहर निकाल के फेंक दिया तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। अब बोलिए कि आपके दोस्त नहीं है, आपके खासम खास यार नहीं है, इसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मर्डर करने का प्लान नहीं बनाया आपने? नहीं, ये बकवास है। जरूर इस आदमी ने ही आपको ऐसा कहा होगा। झूठ बोल रहा है ये आदमी, पागल है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मुझे इसकी बात पे विश्वास नहीं है मिसेस सरकार। हम इतनी जल्दी से किसी की बातों में विश्वास नहीं करते मिसेस सरकार, पुलिस वाले जो ठहरे। लेकिन हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें तो विश्वास करें कि नहीं करें? और वो सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है मैं बताता हूं। आपने मिस्टर जैकी राव को अपने प्रेम जाल में फंसाया। क्यों फंसाया? अपने हस्बैंड का मर्डर करने के लिए। वो मर्डर आपने प्लान किया। क्यों? करोड़ों की जायदाद हथियाने के लिए। अपना काम, अपना मकसद पूरा होने के बाद आपने दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के बाहर फेंकते हैं आपने जैकी राव को निकाल के बाहर फेंक दिया। करेक्ट? ये सब झूठ है। सबूत नंबर वन, कत्ल वाली शाम आपका अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा हुआ। मिस्टर सरकार को पता चल चुका था कि आपका एक बॉयफ्रेंड भी है। सबूत नंबर टू, कत्ल वाली शाम जब मैं आपके घर आया, आपके ड्राइंग रूम में लाश के पास मैंने टेलीफोन के ऊपर रीडायल का बटन दबाया। नंबर किसका निकला? मिस्टर सरकार के लॉयर मिस्टर पांडे का। और मिस्टर सरकार के वकील मिस्टर पांडे से इंक्वायरी करने पे पता चला मिस्टर सरकार का उन्हें फोन आया था 8:30 बजे और मिस्टर सरकार ने कहा कि 9 बजे से पहले वो उनके पास पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी वसीयत चेंज करनी, वसीयत से आपका नाम मिटा रहे हैं। यह आपने सुना, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। और सबूत नंबर तीन, डॉक्टर सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपके हस्बैंड की मौत गोली से नहीं बल्कि दम घुट के हुई है। दम कैसे घुटा? आपने अपने दुपट्टे से अपने पति का खून किया।
के गले से आपके दुपट्टे के फाइबर्स बरामद हुए हैं। आप लोगों के प्लान के मुताबिक मिस्टर जैकी राव यहां आके आपके पति को गोली मारने वाले थे। लेकिन आपके पति ने अचानक उनके वकील मिस्टर पांडे को फोन करके ये कहा कि वो 9 बजे से पहले उनके ऑफिस में पहुंचने वाले, वो वसीयत चेंज करने के लिए, और उन्हें सारा प्लान चेंज कर दिया। अफरा तफरी में आपने अपने दुपट्टे से उनका मर्डर कर दिया। और उसके बाद जैकी राव ने यहां आकर पहले से ही पलंग पर मरे पड़े हुए मिस्टर सरकार को गोली मार दी, ये सोचकर कि वो जिंदा है। और उसके बाद लाश के हाथ में आदित्य राम के लॉकेट वाली चेन प्लांट कर दी और यहां से चला गया। नहीं, एंड नाउ मिस्टर सरकार, अदालत में आपको मुजरिम साबित करने के लिए वो दुपट्टा और लाश के गले से मिले आपके दुपट्टे के वो फाइबर्स मैच किए जाएंगे। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके बचने का कोई रास्ता नहीं मिस्टर सरकार, कबूल कीजिए कि खून आपने किया है। मैंने आपसे कहा मिस्टर सरकार, कबूल कीजिए कि आपके पति का खून आपने किया है, कबूल कीजिए। मैंने ही आपके पति का खून किया है, मैंने किया है। वेरी गुड। और आप मिस्टर जैकी राव, भले आपने लाश को गोली मारी लेकिन सजा के हकदार आप भी हैं। एंड नाउ मैं आप दोनों को जगन्नाथ सरकार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।